हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंद्र कुमार प्रजापति और आज मैं आपको एक नया इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। दोस्तों, PTSNS यूनिवर्सिटी की एडमिट कार्ड आ चुकी है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने फ़ोन से आप PTSNS यूनिवर्सिटी की एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप जिस ब्राउज़र का यूज करते हैं अपने फ़ोन में, गूगल या क्रोम, उसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं गूगल यूज करता हूँ, तो मैं गूगल ओपन कर लिया। गूगल ओपन करने के बाद अपने कॉलेज का वेबसाइट ptsnsuniversity.ac.in टाइप करते हैं, इसके बाद सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता हुआ दिखाई देगा। वो तो ओपन हो चुका है PTSNS यूनिवर्सिटी, तो आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक करते हैं, आपको इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होता हुआ दिखाई देगा। आपके इंटरफेस पर आ चुका है गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, तो गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश को हम क्लोज कर देते हैं। जैसे ही क्लोज करते हैं, आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। तो हम इसको ऊपर से नीचे तक खिसकाते हैं और देखते हैं कि एडमिट कार्ड का कोई भी लिंक यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमको करना क्या है कि लेफ्ट साइड पर ऊपर की ओर आप 3 डॉट देख रहे हैं, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, तो आपको इस प्रकार से रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप डेस्कटॉप साइट में क्लिक करते हैं, आपको इस प्रकार से पेज ओपन होता हुआ दिखाई देगा। इसमें देख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे अक्षर हैं, तो मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूं। ये देखिए, सबसे नीचे आ चुका है एडमिट कार्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम। तो एडमिट कार्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम में जैसे क्लिक करते हैं, तो इस प्रकार से पेज ओपन होगा। तो दोस्तों, इस पेज में बहुत छोटे छोटे अक्षर दिख रहे हैं, तो मैं अपने फ़ोन को रोटेट कर लेता हूं, इसके बाद आगे के लिए जानकारी देता हूं। तो जैसे ही फ़ोन रोटेट होगा, आप देख क्लियर देख पा रहे हैं, पूरे इंफॉर्मेशन डेस्कटॉप पर दिख रहा है। तो सबसे पहले मांगा है एकेडमिक सेशन, तो एकेडमिक सेशन आप 2018-19 सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मांगा है सेलेक्ट ग्रेजुएशन टाइप, तो उसमें आप UG PG हैं वो डालेंगे। इसके बाद मांगा है सेलेक्ट एग्ज़ाम टाइम, तो आप सेलेक्ट एग्ज़ाम टाइम को रेगुलर हैं ITKT उसको डाल लेंगे। इसके बाद है सेलेक्ट सेमेस्टर, तो आप अपना सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स्थ सेमेस्टर, जिस सेमेस्टर के हैं। इसके बाद है इंटर योर इनरोलमेंट नंबर, तो अपना आप इनरोलमेंट नंबर यहाँ डाल लेंगे। इस प्रकार से आप अपना इनरोलमेंट नंबर टाइप कर लेंगे। इसके बाद ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से डाल लेंगे। इस प्रकार से ईयर डालेंगे। इसके बाद इसमें मंथ डाल लेंगे इस प्रकार से। इसके बाद जो आपका डेट होगा वो डाल लेंगे। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है कैप्चा कोड का, तो आप डिब्बे में देख रहे हैं सबसे नीचे ब्लैक कलर के डिब्बे में है कैप्चा कोड, तो उसको आप डाल लेंगे कैप्चा कोड की जगह में। जैसे आप ऐसे कैप्चा कोड कंप्लीट करेंगे, तो आप सबसे नीचे देख पा रहे हैं सर्च का ऑप्शन है। जैसे आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको अपना एडमिट कार्ड पेज पर ओपन होता हुआ दिखाई देगा और आप इसे PDF में डाउनलोड कर सकते हैं।
सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।